Bismillah rahman ar-Rahim, Assalamu alaikum. You are watching my YouTube channel 786 English Point, and I am Muhammad Shafiq. In today's video, we have a very famous prose writer, Bernard Russell, and his book name is Unpopular Essays. Uh, this book, Unpopular Essays, is included in MBA English Part 1 prose paper, and it is also included in a various, uh, you know, syllabus of our various classes so in this book on popular essays according to the or with reference to the annual examination of a different universities there are four most important assignments out of four assignments number 1 we are going to start with proper translations so today's assignment name is the function of a teacher this assignment is very important uh, regarding to the different universities uh, for annual examination so let us start with proper translations द फंक्शन टीचर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड थाट पर वोकिंग एसेज ऑफ रसल फंक्शन ऑफ टीचर वर्णन रसल का एक हमारे ख्याल को उभारने वाला एक अहम तरीन मज़मून है विच कम्पेज द रीडर टू थिंक जो मजबूर करता है पढ़ने वाले को कि वो सोचे ओवर द रियल फंक्शन ऑफ अ टीचर के एक उस्ताद का असल फंक्शन क्या होता है एंड टू पाउंडर और गौर करे दैट एम आई अ वेल टॉट पर्सन कि क्या मैं वाकई सही तरह से पढ़ा लिखा शख्स हूँ द टीचिंग प्रोफेशन आलमोस्ट कम्प्लीटली चेंज नो अवर डेज टीचिंग का शोबा आज के दौर में मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है दैन द ओल्ड वर्न बजाय माजी के दो हालाँकि द टीचिंगज़ एन ऑनरेबल ट्रडिशन हालाँकि टीचिंग के प्रोफेसन की एक काबिल इज़्ज़त एक रवायत है फ्राम प्री हिस्टोरिक टाइम टू टूडेज़ वर्ल्ड यानी तारीख लिखे जाने से पहले की दुनिया से लेके आज की दुनिया तक एट इट इज़ क्वाइट डिफरेंट इन नेचर लेकिन आज ये अपनी फितरत में बहुत मुख्तफ है एंड मैथडोलोजी नाओ और अपने तरीक़ाकार में भी इन ओल्डर डेज माजी के दिनों में द फंक्शन ऑफ आ टीचर वॉज टू इनकलकेट इन स्टूडेंट्स इनकलकेट कहते हैं आग लगा देना शोला पैदा करना दिल नशी बना देना स्टूडेंट्स के लिए तालीम को दी आइडियाज़ ही कंसिडर्ड टू बी गुड आज के दौर में टीचर जो समझता है कि ख्याल अच्छे हैं अन मेच्योर और, और पुख्ता हैं बट नोअेज अ टीचर हैज़ बिकम लाइक अ प्रॉपर कन्टेस्ट आज कल के दौर में उसताद जो है वह एक प्रॉपर कन्टेस्ट बन गया वो टीचर्स अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ हिज एम्प्लॉयर्स जो अपने मुलाजमों की ख्वाहिहश के मुताबिक अब पढ़ाता है अनफॉर्चुनेटली हिज ऑनली फंक्शन इज़ टू प्रीच द टीचिंग टीचर का असल अमल फंक्शन काम यह है कि वो वो पढ़ाए विच आर इन फेवर ऑफ़ ब्यूरोक्रेट्स एंड स्टेट्स जो ब्यूरोक्रेट्स के फ़ायदे में है तालीम वो पढ़ाए और रियासत के फ़ायदे में है बट स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन कैन टर्न मैन इन टू अन थिंकिंग फनीटिक्स लेकिन जो रियासत कंट्रोल करती है तालीम को वो तालीम हासिल करने के बाद लोग बदल जाते हैं एक ऐसी सोच में जिसे हम कहते हैं कि ना सोचने वाले वैशी अन थिंकिंग फनीटिक्स एंड फॉर हिज़ ओन सरवा टीचर मस्ट प्ले द पैक्ट और अपनी बका के लिए एक उस्ताद को माहदा करना पड़ता है विज द स्टेट कट्स आउट जो एक रियासत उसके लिए करती है इन हीज़ टास्क उसके टीचिंग के काम में अकॉर्डिंग टू रसल द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ अ टीचर इज़ टू इनकलकेट रसल के मुताबिक उस्ताद का सबसे बड़ा अमल ये होता है कि वह अपने तलब एलम के अंदर एक आग शोला भड़कता है इनकलकेट इन हिज पीपल्स बिलीव अपने तलब इलमों के अक़ीदों में सोचों में विच आर वाइस जो अक़ल की बुनियाद पर होते हैं एंड सेंसिबल और अक़ल के साथ चलते हैं इन हिज मेचोर ओपिनियन उस्ताद की अपनी पुख्ता राय के मुताबिक इन एंटीक्विटी कदीम दौर में एज वेल ड्यूरिंग द रेनइसेंस टीचर्स पुराने कदीम दौर में और रेनिसेंस के दौर में टीचर्स हैड कम्पेरटिवली ग्रेटर फ्रीडम उसम को मुकाबला काफ़ी ज़्यादा थी बट इन मॉडर्न टाइम्स इज़ फ्रीडम एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन एग्जस्ट लेकिन आज कल के दौर में ये आज़ादी और ख़ुद इरादी एग्जिस्ट ऑनली वजूद रखती है एट अ अंडुल ऑफ़ अ ग्रेट हिस्टोरिक यूनिवर्सिटीज़ हैंड फुल का मतलब है मुठ्ठी भर हस्टोरिक यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं दुनिया की तारीखी यूनिवर्सिटीज़ में साजा ग्राम को आज़ादी है कि वो जो दुरुस्त है वो पढ़ा सकें द टीचर ऑफ टुडे इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू टीच आज के दौर के साथ से ये नहीं तो किया जाता कि वो पढ़ाएं वट ही बिलीव टू बी राइट कि क्या दुरुस्त है बट ऑनली वट इज़ इम्प्लॉर्स डिसाइड दैट ही शुड टीच बल्कि उसके स्टूडेंट इम्प्लॉर्स मुलाजम जो उसके स्टूडेंट्स हैं वो उसे जो कहते हैं दुरुस्त है वही उसको पढ़ाना पड़ता है दिस एटीट्यूड कैन नेवर प्रोड्यूस गुड थिंकर्स ऑफ अ नेशन एज वेल एज ऑफ द वर्ल्ड ये तलीमी रवैया उसताद को जो दिया गया है इससे हम ना तो अच्छे सोच विचार करने वाले पैदा कर सकते हैं अपनी कौम के लिए और ना ही दुनिया के लिए आर टीचर शुड रिमेन अलूफ टीचर को चाहिए कि वो अलूफ रहे अलहदा रहे फ्राम स्ट्राइफ ऑफ पोलिटिकल पार्टीज़ सियासी जमातों की जदोजहद से ही शुड बी न्यूट्रल एंड इम्पारशियल टीचर को चाहिए कि वो दरमियाना रहे और गैर जानबदार रहे इन हिज टीचिंग्स अपने पढ़ाने में रसल थिंग्स दैट द टीचर्स रियल फंक्शन लाइज इन लेटिंग द चाइल्ड डिवेलप रसल ये कहता है कि टीचर का असल अमल ये होता है कि वो तलब इलम के अंदर ऐसी चीज़ को पैदा करे हिज़ इन बॉन फैकल्टीज उसकी जो कुदरत ने उसके अंदर सलाहितें दी हैं उनको उजागर करें एंड इनकर्जिंग द काइंडली इम्पल्स और जो मेहरबान हिस्से हैं उसकी हौसला अफजाई करे दैट आर लेटेंट इन हिम जो कि तालब एलों में पड़ी होती हैं अदरवाइज थवर्टिंग ऑफ नेचुरल इम्पल्स अगर टीचर रोकेगा थवर्टिंग रोकेगा कुदरती हिस्सों को कैन ब्रीड आगे बढ़ने से क्रूअल एंड सेल्फिश अर्जिश तो उसके अंदर जो पैदा होंगी जालमाना और ख़ुद गजाना ख्वाहिहशा इन द चाइल्ड बच्चे में एंड मेक हिम ग्रो अप इन टू अ क्रीमिनल तो ऐसी चीज़ें बच्चे को एक मुजरम बना देंगी और एन एंटी सोशल क्रिएचर या माशरे के ख़िलाफ़ कोई मखलूक मॉडर्न साइकोलॉजी आलसो फर्म्स दौरा जुदीद की नफसियात इस बात की तस्दीक करती है एन एग्रीज और इतफ़ाक़ करती है टू हिज व्यू पॉइंट ऑफ रसल्स के इस नुकता नज़र से रसल स्ट्रेस दै टीचर्स शुड एक्ट एज ए गार्डियन ऑफ सिवलाइजेशन रसल ज़ोर देता है कि सात ग्राम को एक ऐसा अमल करना चाहिए जिससे ये जाहिर होकर वह तहजीब के मुहाफ़ हैं दे शुड स्प्रेड एंड प्रमोट द कल्चर ऑफ अ माइंड टीचर को चाहिए कि वो फ़र दे दिमाग के की काफ़ को दमाग के अंदाज को दमाग के खोलने को और ट्र्यू टीचर मस्ट राइज अबाउट मटीरियल कंसिड्रेश सच्चे टीचर को जो मादी मफादात होते हैं उससे ऊपर रहना चाहिए एंड मस्ट बी द रियल सेफ गार्ड और उसको सच्चा मुहाफ़ होना चाहिए अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी इस इम्कान दैट आफ आ सिविलइजेशन में वनिशोर्टली कि कहीं हमारी तहजीब जल्द ख़त्म ना हो जाए द टीचर मस्ट राइज अब ऑफ़ फ्लैटरिंग द प्रेज ऑफ दोज इन अथॉरिटी अथॉरटी क़राम को ये भी चाहिए कि वो बुलंद रहें उस लालच से और उस चापलूसी से द प्रजटस और उन तसबात से ऑफ़ दोज इन अथॉरटी उन तसबात से जो कि उस वक्त ताकत में लोग होते हैं इवन इफ़ ही कैन इम्प्रूव प्रोफेशनल प्रॉस्पेक्ट्स बाई डो साथ पस मंजर को बेहतर कर सकते हैं अ टीचर कैन बी ग्रेट ओनली इफ ही इज़ फायर्ड बाय द पैशन एक उस्ताद उस वक़्त तक अजीम होता है जब तक कि वो आग लगा देता है जज्बात में टू परफॉर्म पॉजिटिव टास्क ताकि बच्चे उसके मुस्बत काम करें ही मस्ट हैव अ फीलिंग्स टू वार्म अफेक्शंस टीचर के अंदर ऐसे जज्बात होने चाहिए कि वो गर्म मोहब्बत दे टर्ड्स पीपल्स अपने शर्दों की तरफ एंड अ जेनवन डिज़ायर और एक असली ख्वाहिश पैदा करे टू तो पार्ट टू तो दैम उनको अता करने की वट ही हिमसा बिलीव टू तो बी ऑफ अ वैल्यू जिसके बारे में टीचर ये सोचता है कि ये चीज़ वाकई काबिल कदर है एज मैटर स्टैंड तो टूडे आज मामला जहाँ भी खड़ा है टीचर्स आर अनएबल टू डू देयर बेस्ट फॉर अ वाइटी ऑफ रीजन टीचर अपनी बेहतरीन कोशिश और बेहतरीन सलाहियत नहीं पेश कर पा रहे उसकी मुख्त वजूहत हैं वन इज़ दैट दे हैव टू ओ ओव वर्क उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है विच क्रिएट्स टायर्ड एंड मोलटेस फीलिंग इन दैम जो उनमें थकावट और उक्ताहट की जज्बात को पैदा करता है टीचर्स शुड नाट ओवर वर्क दैम सेल्फ एज वेल एज टू कम्पेल द स्टूडेंट्स टू डू सो सात सराम को चाहिए कि वो खुद को ज्यादा ओवर लोड ना करें और ना ही एज टू कम्पेल और ना मजबूर करें तालब इलों को ओवर लोड काम में स्टूडेंट्स शुड नाट भी प्रपेर्यड ऑनली फॉर द एग्जामिशन तलबा को चाहिए कि वह सब इम्तहाना की तैयारी ना करें बट दे मस्ट हैव द थ्रस्ट एंड हंगर फॉर द रियल नॉलेज तलबा में होनी चाहिए प्यास और भूख असली इलम के लिए अकॉर्डिंग टू रसल टीचर्स मस्ट टीचर्स टीचर्स मस्ट अब ऑल एक उस्ताद को हर चीज़ से बढ़कर इनकलकेट अ स्पिरड शोला एक भड़काना चाहिए शोला भड़काना चाहिए उसकी रूह में ऑफ टॉलरेंस बर्दाश्त का इन पीपल अपने स्टूडेंट्स में तलबा में विच वुड इेबल विच वुड इनेबल दैम टू बियर एंड अंडरस्टैंड मैनर्स एज वेल एज अट्रेंच पीपल तो उनमें यह रिवाज पैदा करना चाहिए ये सोच पैदा करनी चाहिए कि वो बर्दाश्त करें और समझें उन अंदाजों को और उन अजीबो गरीब लोगों को जो उसके गिरद होते हैं इग्नोरेंस इग्नोरेंट टॉलरेंस इज़ द वेरी रिवर्स ऑफ अ सिवलाइजेशन यानि जहालत में बर्दाश्त करना या जहालत की बर्दाश्त जो होती है वो तहजीब को उलट लेकर आने के मुतरद होती है टू कंक्लूड अ टीचर इज़ अ गार्डियन ऑफ अ नेशन कॉम का मुहाफ़्ज होता है उसताद ही शुड इम्पार्ट यू नॉलेज टू द स्टूडेंट उसको तलबा को चाहिए कि सच्चा इलम अता करे ही शुड टीच ऑब्जेक्टिव रियालिटीज़ बैरूनी हकीकतें उसको चाहिए कि वो अपने तलबा को सिखाए बिंग इम पार्शल गैर जानबदार रैक या न्यूट्रल और दरमियाना सा रैक है ही शुड नाट सरेंडर बिफोर स्टेट और डिकटेटर टीचर को नहीं चाहिए कि वो अपने आपने हथियार फेंक दे रियासत के आगे या एक हाकम के आगे रादर ही शुड इन स्टिल बल्कि उसको चाहिए कि वो तलबा के अंदर न चोड़े द टीचिंग ऑफ फ्रीडम एंड टॉलरेंस बर्दाश्त और आज़ादी की तलीम टू हेल्दी नेशंस ताकि एक सेहतमंद कौम पैदा की जा सके सो दिस वॉज असाइनमेंट ऑफ द फंक्शन ऑफ अ टीचर बंडर रसल्स फेमस बुक अनपॉपुलर पॉपुलर एसेस The other assignments of prose papers are also available in the playlist of my channel, Seven Hundred Six English Point. I shall see you next time in the next video. Bye bye.